सभी का स्वागत है बॉलीक्राट स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। इस साल की शुरुआत ही राम नाम के साथ हुई और 22 जनवरी पर दोस्तों हमारे रामलला अपने घर वापस विराजमान हुए और हम सबने साल की पहली दिवाली भी मना ली। और अब डायरेक्टर नितीश तिवारी आने वाले हैं साल की दिवाली पर रामायण फिल्म रिलीज करने के दोस्तों। और दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग इस साल में ही आने वाले मार्च से शुरू होने वाली है। पिछले काफी कुछ वक्त से ये फिल्मी दुनिया में काफी अच्छी जगह बनाए हुए हैं। और दोस्तों आज फिल्म से उड़ती उड़ती ये खबर आ रही है कि इस फिल्म में सूर्पनखा के किरदार को प्ले करने वाली हसीना का नाम आ चुका है सामने। और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि यारिया फिल्म से बॉलीवुड में अपना नाम कमाने वाली रकुलप्रीत सिंह ही है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज ही सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रकुल प्ले कर रही है सूर्पनखा का किरदार। है ना एकदम शॉकिंग न्यूज। भाई फिलहाल फिल्म के मेकर रकुल से इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं और उनकी डिस्कशन एडवांस लेवल पर पहुंची हुई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रकुल का इस फिल्म से जुड़ना पक्का ही है, बस ऑफिशियल खबर आने की देरी है। और हम सब जानते हैं कि सूर्पनखा का किरदार रामायण में कितना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई सारी वजहों से, वो भी एक वजह थी जिनकी वजह से श्री राम और रावण के बीच में दुश्मनी हुई थी, इसलिए किरदार काफी अहम है। और हमें पूरा भरोसा है कि रकुल इस किरदार को अच्छे से प्ले करेंगे। हालांकि उन्होंने आज से पहले कभी नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया है, लेकिन अजय देवगन के साथ आई उनकी फिल्म दे दे प्यार दे में उनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव दोस्तों नहीं था, पर वो किरदार उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया था, इसलिए किरदार भी वो अच्छे से ही प्ले करने वाली है। साथ ही डायरेक्टर नितीश तिवारी की इस फिल्म में भगवान श्री राम का किरदार प्ले कर रहे रणबीर कपूर, माता सीता बनी है साई पल्लवी, रॉकिंग स्टार यश बने हैं रावण और सनी देओल बने हैं श्री हनुमान। इसके साथ ही खबर ये भी है कि माता के किरदार के लिए लारा दत्ता को फाइनल कर लिया गया है और विभीषण के किरदार के लिए विजय सेतुपति से बातचीत कर रहे हैं मेकर्स। और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स कास्टिंग के बिल्कुल फाइनल लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।